दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉन्डेड फोम के बारे में। दोस्तों फोम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों सालों पहले फोम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जब फोम बनाती थी तो उसके अंदर क्या होता था कि कोई ऐसा फोम भी निकलता था जिसमें क्वालिटी वाइज कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डिफेक्टिव फोम निकलता था, तो वो कंपनियां क्या करती थी, इस तरीके के फोम को मार्केट में कम दामों में बेच देती थी। मगर एक मैन्युफैक्चरर ने एक आइडिया निकाला कि क्यों ना इस फोम में से जो स्क्रैप फोम बचता है उसमें से कुछ ऐसा फोम डेवलप करे जो नारियल के जो छिलके आते हैं कॉयर के मैट्रस, उसका कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाया जाए इस फोम से। तो उसने क्या किया, जो भी फोम के स्क्रैप उसके पास पड़े थे उसको एक साथ ग्लू में डाल के हाई डेंसिटी बॉन्ड किया, बॉन्ड करके एक ऐसा फोम बनाया जिसका नाम दिया उसने बॉन्डेड फोम। तो इस तरीके का बॉन्डेड फोम है। तो बॉन्डेड फोम क्या है, जो भी स्क्रैप फोम का बचता है, जो भी पीयू फोम है, एचआर फोम है, उसका जो स्क्रैप निकलता है उस स्क्रैप को हाईली कंप्रेस करके इस तरीके का फोम बनाया जाता है जिसके अंदर ग्लू वगैरह केमिकल्स ऐड करते हैं जिसके कारण जो सारे जो टुकड़े होते हैं फोम के वो एक दूसरे के साथ चिपक जाए और इस तरीके का फोम बनता है। दोस्तों बॉन्डेड फोम को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि बॉन्डेड फोम हो गया, बॉन्डेड फोम, रीबॉन्डेड फोम, सुपर बॉन्डेड फोम, अल्ट्रा बॉन्ड फोम, और इसको स्पाइनकेर फोम और ऑर्थो फोम भी कहते हैं। दो तरीके के बॉन्डेड फोम मार्केट के अंदर अवेलेबल रहते हैं। होता है इस तरीके का रिजिड बॉन्डेड फोम, जो हार्ड तो होता है मगर जिसको बेंड नहीं कर सकते, अगर इसको बेंड करेंगे तो ये बीच में से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो इसको बेंड नहीं कर सकते, इस तरीके का एक बॉन्डेड फोम आता है। दूसरा आता है फ्लेक्सिबल बॉन्डेड फोम, इसको हम बेंड कर सकते हैं, इसको बेंड करेंगे तो भी ये बीच में से ब्रेक नहीं होगा। दोस्तों बॉन्डेड फोम का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फॉर्मनेस, ये फॉर्म है, हार्ड इसका फील है, ये ड्यूरेबल भी बहुत ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अदर फोम, इसका लाइफ लॉन्ग है। इसका जो हार्डनेस है उसके हिसाब से इसको सबसे ज़्यादा स्पाइनकेर मैट्रस के अंदर यूज़ किया जाता है। जो भी स्पाइनकेर मैट्रस मार्केट में अवेलेबल रहते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ मैट्रस के अंदर एज अ सपोर्ट लेयर के लिए बॉन्डेड फोम ही होगा, तो इसको सबसे ज़्यादा ऑर्थो फोम स्पाइनकेर फोम में यूज़ करते हैं। और इसके ऊपर एज अ सपोर्ट लेयर के लिए 1 इंच का या 2 इंच का कोई मेमोरी फोम है, सॉफ्ट फोम है, कोई भी फोम ऐड कर देते हैं तो बन जाता है पूरा स्पाइनकेर मैट्रस। ये जो बॉन्डेड फोम है वो जो नारियल के जो छिलके आते हैं उससे जो मैट्रस बनता है कॉयर का मैट्रस, तो कॉयर मैट्रस का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। कॉयर में क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता है, वैसे वैसे कॉयर के अंदर हो सकता है उसमें सेगिंग हो, उसका जो सरफेस है ऊपर का वो अनइवन हो जाता है कॉयर के अंदर, तो बॉन्डेड फोम के अंदर वो कोई इश्यू नहीं आता है, इसका सरफेस वैसा क्या वैसा रहता है लॉन्ग टर्म के लिए, और इसमें सेगिंग का इश्यू भी नहीं आता है। और क्वायर के अंदर क्या होता है, वैसे नेचुरल चीज़ है, जो नारियल के जो छिलके आते हैं वो नेचुरल है, तो उसके अंदर क्या होता है जब मॉइस्चर कैच करता है तो उसके अंदर से ख़राब बदबू वगैरह आने लगती है मॉइस्चर के हिसाब से, तो बॉन्डेड फोम के अंदर वो बदबू रिलेटेड कोई इश्यू आता नहीं है, जिसके कारण भी स्पाइनकेर मैट्रस के अंदर सबसे ज़्यादा बॉन्डेड फोम यूज़ हो रहा है। बॉन्डेड फोम मार्केट के अंदर अलग अलग थिकनेस में अवेलेबल रहते हैं, अगर आपको 1 इंच चाहिए, 2 इंच चाहिए, 3 इंच, 4 इंच, कोई भी थिकनेस चाहिए मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, और इसकी डेंसिटी 23 डेंसिटी से लेके 32, 40 डेंसिटी, 50 डेंसिटी, अबव 100 डेंसिटी के भी बॉन्डेड फोम मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, वो आसानी से मिल जाते हैं। और कंपनियां इसका मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा करती है, उसका एक ही रीज़न है कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, क्योंकि जो स्क्रैप बचता है फोम का उससे ही बनाना है, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करती है और मैट्रस के अंदर भी इसको ज़्यादा यूज़ करती है और इसको ज़्यादा प्रमोट भी करती है। बॉन्डेड फोम ज़्यादातर मैट्रस में ही यूज़ होता है, सोफ़ा के फोम के लिए इसको यूज़ कम ही करते हैं, और मैट्रस के अंदर इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हो इस तरीके से यूज़ होता है। बॉन्डेड हो गया, बॉन्डेड के ऊपर पीयू फोम लगाते हैं एज अ कम्फर्ट लेयर, बॉन्डेड के ऊपर एचआर भी लगाते हैं, और इस तरीके से बॉन्डेड के ऊपर मेमोरी फोम वगैरह अलग अलग फोम के लेयर भी लगाते हैं, तो ये स्पाइनकेर के लिए यूज़ करते हैं। आमतौर पर कोई भी मैट्रस जिसके अंदर बॉन्डेड फोम यूज़ हुआ है
वो मैट्रेस ड्यूअल कंफर्ट मैट्रेस ही होगा, क्योंकि एक साइड बॉन्डेड होगा और दूसरी साइड सॉफ्ट फोम या मेमोरी फोम या कोई भी फोम का लेयर होगा, तो उस साइड आपको मीडियम सॉफ्ट वगैरह फील मिलेगा और जिस साइड बॉन्डेड है उस साइड तो आपको हार्ड फील ही मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है बॉन्डेड फोम के बारे में तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे। थैंक यू।